इसको ऐसे काट लेते हैं। जब इसको फ्राई करेंगे तो उड़ेगा नहीं। हैं 4 चम्मच के बराबर, और ये आलू रखे हैं छे पे अच्छी तरह से काट लिए हैं। अब इसको फ्राई कर देते हैं। लाल होने तक फ्राई करेंगे। हल्का नमक डाल देते हैं। फ्राई हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं और कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं थोड़ा सा। तब इसको अब फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गया है, हम इसको भी निकाल लेते हैं। डालिए जीरा, डाल दिए 1/5 का तड़का के लिए मिर्च, ढक गया है। अब देखिए प्याज, 2 प्याज डाल दिए। इसको लाल होने तक भूनेंगे। लहसुन, लहसुन पेस्ट है, अदरक लहसुन पेस्ट डालते हैं। हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, एक चम्मच धनिया पाउडर, गोलकी जीरा 1 चम्मच, टमाटर का फ्योरी है, टमाटर को पीस लिए हैं। अब इसको भूनेंगे। एक चम्मच टमाटो सॉस है, थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं 1/2 चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार। इसको मिक्स करके सभी को डाल देते हैं, अंडा को। पानी डाल देते हैं 2 कप। जितना ग्रेवी रखना है उतना पानी डालना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। देखिए दोस्तों, हो गया है अब तैयार। अब इसको सर्व करते हैं। तैयार है, आप खा के बताइएगा कैसा लगा।